आ जा। ये है गाइस, यहाँ जूते जमा करेंगे और फिर अंदर। ये जो थैली वाले पन्नी वाले हाथ में लेकर प्रसाद फेंक रहे हैं, ये प्रसाद मंदिर में चढ़ाया नहीं जाता है। फाइनली गाइस, शेरा के भी हो चुके हैं अब यहाँ दर्शन, चलते हैं। दिखाता हूँ शेरा को मैंने कहाँ खड़ा किया हुआ है। शेरा को छुपा के खड़ा किया हुआ है, आज मैं आपको इसका बताऊंगा कि इनके छुपा के क्यों खड़ा करते हैं। ओके, अब निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा ही धूप हो रही है और ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। ओके, हो गया गाइस, अब निकलते हैं। तो धूप हो रही है, ग्लव्स पहनने जरूरी है, काले हो जाएंगे वरना। पहली बार इसके दर्शन हो गए, अब मैं फ्री हो गया। इसके दर्शन करवाने जरूरी थे। देखता हूँ वो जब खाने के लिए, आज तो कुछ भी काम नहीं किया ना, कोई स्टोरी वगैरह कुछ नहीं लगाया आज तो। एक तो फ़ोन भी अब दिक्कत दे रहा है, पहले तो चल भी रहा था वो, अब तो चल भी नहीं, अपनी मर्जी से रहा है वो तो। कैसे भी करके वीडियो बन गई बस, अभी कहीं रुकता हूँ, देखता हूँ जहाँ इसको खड़ी करने की बाहरी जगह हो, फिर अपना खाते पीते के अब लगाता हूँ कुछ स्टोरी वगैरह। यहाँ पे आएगा कुछ खाने के लिए, था तो कुछ मुझे याद भी नहीं है। बाइक लगाने की ज़्यादा वो है, कहाँ गया मैकडोनल्ड है, पिज्जा हटा कर बाइक कहाँ लगाए। किंग का ज़्यादा लफड़ा है बाइक पार्किंग में, मतलब पार्किंग भी वैसी है थोड़ी भीड़ भड़क के वाली,
बाइक। सो हाँ, जो मैं आपको बता रहा था ना, आप कमेंट्स में करते हो, बोलते हो कि भैया ऐसा क्या है बाइक में जो तुम्हें ऐसी जगह खड़ी करनी पड़ती है जो ना दिखे, ये वो फलाना टिकड़ा। भैया ये इसलिए खड़ी करनी पड़ती है कि इसे देख के कोई फ़ोटो वोटो खिंचवाता है, और फिर फ़ोटो खिंचवाने की तो बात अलग है, वो तो चलो कोई नहीं, पर उसके चक्कर में बाइक गेयर वेयर देता है। अभी जो मेरे दोस्त है ना हायबुसा वाला, उसके साथ हो गया सीन। वो अभी कहीं खाने गया था, बाइक खड़ी करी थी बाहर, और वो भाई बाइक गेर दी और उसका हो चुका है नुकसान। और रात को ही हम उसे खड़ी करके आए थे शोरूम पे, लेकिन वहाँ पे नहीं बात बनी। अभी वो पंजाबी बाग कहीं शोरूम पे खड़ी करनी है, क्योंकि उसकी टंकी में डेंट आ चुका है, वहाँ खड़ी करेंगे तो दिखाता हूँ आपको। इसलिए आप सोचते होगे कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसे क्यों छुपाते हैं भैया, इसलिए छुपानी पड़ती है। एक बार गिर जाए ना, मतलब कुछ भी हो जाए तो नुकसान ही है। अब उसके में कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा बताया, और अभी मैं जब पहुँचूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा उसकी बाइक में क्या नुकसान हुआ है। सो आप ऐसा मत सोचा करो कि भाई मतलब कि ऐसा है क्या, ऐसा है तो कुछ नहीं भाई, है तो ये भी भाई की, पर ये है कि इसके जो खर्चे हैं ना, खर्चे महंगे हैं, तो बस हम उस चीज़ से डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि भाई हमने बाइक ले ली तो या पता नहीं हमने क्या ख़रीद लिया, बस यार खर्चे की बात है और तो कुछ नहीं। छोटा मोटा खर्चा होता चलो ठीक भी है, और अभी उसके में और भी काम थे, हमें और भी काम कराने थे इस बाइक में ना, अब वो सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे, क्योंकि अब जो खर्चा है वो खर्चा वहाँ कन्वर्ट हो गया। अभी उसके टायर ले आने थे हमें, 35,000 रुपये के उसके टायर है, अब वो टायर अभी कैंसिल है, अभी पहले तो वो ठीक करानी पड़ेगी। सो इसलिए ऐसा करना पड़ता है, ऐसे छुपा के रखनी पड़ती है, या तो खड़े रहो, या तो दो बंदे हो तो एक खड़ा रहो और एक अपना जो काम है अपना काम कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर अकेला नहीं छोड़ा जाता। आपको लगता होगा कि भैया ऐसे ही है ड्रामा, ये फलाना टिकड़ा, पर भैया देख जिसकी जेब से जाते हैं ना उसे पता होता है। अब अगले की जेब से जाएंगे जब उसको पता है, आप तो बस कमेंट्स में ऐसे लिख देते हो कुछ भी। भैया जिसकी चीज़ है जो प्यार करता है उसे ही पता है। आपके पास भी कुछ भी चीज़ होगी, आप उससे प्यार करते होगे तो आपको भी बुरा ही लगता होगा। हमारे पास भी नॉर्मल सी बाइक है, हम तो उसे कहीं पे भी खड़ा कर देते हैं, हमें उसकी कोई इतनी टेंशन ना होती, ना उन्हें कोई छेड़ता भी नहीं कोई, तो उन्हें छेड़ता हो कोई, ना कार को छेड़ता ना बाइक को छेड़ता, पर इस बाइक को छेड़ते हैं। अब जैसे इस कैटेगरी में हम सुपर कार की तरफ जाए ना, सुपर कार का भी ड्रामा है, पर सुपर कार का एक तो ठीक है कि भाई वो तो बंद है अंदर से, बाहर से भी कोई बाहर से ही फ़ोटो खिंचवा लेगा बस, पर इसका ये है कि इसके स्टैंड वगैरह हटा देते हैं फिर वो गिर जाती है, ये थोड़ा लफड़ा है बस, और तो कुछ नहीं। अभी यार यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा कुछ खाने के लिए, यहाँ पे कुछ होता ना बाहर ही बाइक लग जाती है और अंदर खा लेते और चलते। कोई नहीं, ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा।
जाएगा अपना घर। और आप भी ज़रूर बताना कमेंट्स में भैया कौन कौन जाता है कालका जी मंदिर, कौन कौन जाता है, क्या पता किसी दिन हमारा वहीं पे मिलना हो जाए, क्योंकि मैं तो जाते ही रहता हूँ, एक हफ्ते में एक बार तो चला ही जाता हूँ। और जो जो वैष्णो देवी जाता वो भी बताना। और आप कमेंट्स में ये भी बताओ कि अगला टूर मतलब अभी जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसमें कहाँ पे जाऊँ मैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ों की तरफ जाऊँ, तो आप बताओ पहाड़ों में किस साइड जाऊँ, मतलब लद्दाख वगैरह तो नहीं जाऊँगा अभी इतने दूर, थोड़ा पास ही जाऊँगा अभी। तो कमेंट में बताओ कि कहाँ जाना चाहिए, शेरा को घुमा के लाओ। ये थोड़ा पहाड़ों का लग रहा है अभी कि पहाड़ों में जाना चाहिए। नॉर्मल तो अभी कितना घूम लिया, एक पहाड़ों का एक नॉर्मल, एक पहाड़ों का एक नॉर्मल ज़्यादा ऐसे करें स्टेट कवर्स भी देखा जाए तो मतलब यूपी में एक अयोध्या ही सबसे मेन था जो कि हमने कवर कर लिया। सो तो और जो भी है स्टेट उसमें जो जो चीज़ मेन मेन है वहाँ पे कवर करेंगे। अगर अयोध्या के अलावा भी कुछ होता तो उसे भी कवर करते। लखनऊ था, लखनऊ भी बड़ा अच्छा था पर मुझे नहीं पता था अच्छा है मतलब ऐसा है, वरना लखनऊ ही रुकता, फिर लखनऊ रुक के फिर सुबह सुबह निकल जाते अयोध्या के लिए रात में लखनऊ, क्योंकि लखनऊ तो मैं 6-7 बजे ही पहुंच गया था तो वहाँ तो मेरे पास टाइम भी बचता घूमने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अयोध्या में बहुत कुछ है घूमने के लिए ना, पर ऐसा नहीं था। या तो अभी ना चीज़ें बन रही हैं तो अभी आगे के टाइम में आगे सब कुछ हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये आ गए भैया मुकरबा चौक और वो सामने देखिए पहाड़, दिल्ली में पहाड़। सब आ रहे हैं जा रहे हैं, ये भैया थोड़ी यहाँ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ये बैरिकेटर वगैरह देखो सब चीज़ लगाई हुई है यहाँ पे बाईपास किसान के लिए, अरेंजमेंट मतलब पहले से किया हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस रोड को कर देंगे ब्लॉक। ये देखिए बैरिकेटर वगैरह सब सब चीज़ रखी हुई है पहले। ये आ गया अपना हाईवे सिटी करनाल, जा जा पहुंच गया गाइस घर पे, मेरे अड्डे बगीस देख के अभी जाएंगे नहीं, उल्टी आ रही है। जा आ जा mm-hmm.
ओम